खबर उत्तर प्रदेश रामपुर से। थानागंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान नैनीताल रोड से पहाड़ी गेट के पास से थाना अजीम नगर निवासी दो महिलाओं रुखसार और शबाना को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तलाशी के बाद 1 किलो 140 ग्राम चरस बरामद की, जिन्हें गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, जिस पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि ये जो महिलाएं हैं अजीम नगर थाने की रहने वाली हैं, वर्तमान में थानागंज क्षेत्र में रह रही हैं। महिला पुलिस टीम एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में तलाशी अभियान चला रही थी, जिनकी सुबह थानागंज क्षेत्र में शंका होने पर तलाशी ली गई, जिनके पास से काफी मात्रा में चरस बरामद हुई। महिलाओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इनका आपराधिक इतिहास भी देखा जा रहा है। दो महिलाओं को चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामले पे। ये दो महिलाएं हैं जो मूलतः थाना अजीम नगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में थानागंज क्षेत्र में रह रही हैं। हमारी एक महिला पुलिस टीम सब इंस्पेक्टर के अंडर में तलाशी अभियान चला रही थी, चेकिंग कर रही थी। इनको दो महिलाएँ दिखी आज प्रातःगंज थाना एरिया में, शंका होने पर इनके पास तलाशी ली गई तो काफ़ी संख्या में इनके पास से चरस बरामद हुई। दोनों महिलाओं को इस महिला पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अच्छा सर, इनका जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि किसी हिस्ट्री रिलेटर की पत्नी थी, ऐसा है जानकारी मिली है और तस्दीक किया जा रहा है और क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।